जावे तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा, नजर की कमाल से कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, निकालना है खाली ये किनारे में बटन है उसका। हाँ पीछे बैठे हो वाह क्या बात है, इन कलाकारों ने तो हम सबका मन मोह लिया। तो ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बॉलीवुड मैशअप के लिए। Now for the further proceedings, we would like to hand over the stage to the next set of anchors. Till then, stay connected. We wholeheartedly congratulate all the contestants who have made it to the final round and the ones who couldn't. Na thake abhi pair, na abhi himmat hari hai. Hausla hai zindagi mein kuch kar dikhane ka. इसलिए अभी भी सफर जारी है। Well said, Devansh. Moving forward, we would like to introduce you all to our esteemed panel of judges. We are honored to have them from the beginning and feel privileged to welcome them. Our first judge is Mr. Sumit Joshi, AIHM. The second judge is Mrs. Divya Negi, FPS. The third judge is Mrs. Sugandha Joshi, FCPM. The fourth judge is Dr. Ashish B. Khare, FTCA. And the fifth judge is Dr. Kiran Sethi, Education. Talking about the rules, each participant will be asked one question. Based on the answer given, the participants will be rendered their scores. Proceeding, I would request tag number 11 to come forward for the question. गिरधर रोते हुए अपना सपना बता रहा होता है, जहां यमदूत उसे यमलोक की तरफ ले जा रहे होते हैं। अरे, अरे कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? अरे मर चुका है और हम तुझे यमलोक ले जाने आए हैं। हो, 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 हो। अरे छोड़ दो, कहां लेके जा रहे? मैं मर गया। अरे अभी तो मैंने बिग बॉस का फाइनल देखना था, और अभी तो मैंने इंडिया को अगले साल होने वाला 50 वर्ल्ड कप जीतते हुए भी देखना था,
और अभी तो मैंने पबजी का पहला ही लेवल खेला था, अभी तो चिकन डिनर भी करना था, और सबसे मेन का मम्मी गैस में दूध रख के गई है, अगर वो नहीं उठाया तो वो मुझे मार देगी, छोड़ दीजिए। अरे नादान, तू मर चुका है, अब हम तुम्हें यमलोक ले जाकर तेल में तलेंगे। नहीं, कैसे? कुछ समय चलते हुए गिरधर यमदूत से पूछता है, अरे यमदूत जी, अभी तुझे कुछ बोलना है? अरे यमदूत जी सुनिए, कुछ 100-200 रुपए रख के कर लीजिए ना। अरे नादान, तू हमें पृथ्वी लोक के लोगों की तरह समझता है? तू मर चुका है और हमारे महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चल जल्दी। कुछ देर चलते हुए गिरधर यमदूत से कहता है, अरे यमदूत जी वो देखो हल्द्वानी की मार्केट, अरे ये कौन बैठा है? ये तो अमित और शुभम है, पबजी खेल रहे हैं शायद, तो मैंने ही पबजी खेलना सिखाया था। अरे शुभम, अभी मार, अबे शुभम मार, हेडशॉट मार, अबे यार, अरे अमित, रिवाइव कर, अरे छोड़ो, चलो आगे। अब देखिए यमदूत जी, ऊंचा पुल, इससे आगे और चलते हैं, देखो आगे, लामा चौड़, कितनी हरियाली है। अब देखिए यमदूत जी, वाह, मेरा कॉलेज आम्रपाली, यहाँ मैं पढ़ता था और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अरे पापी, तू अब मर चुका है, चल जल्दी यमलोक की तरफ। नहीं, चल छोड़ दीजिए। यमदूत चित्रगुप्त को संपर्क करते हुए, हेलो, हाँ चित्रगुप्त जी, मैं यमदूत तू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो यमदूत, अभी कौन सा टोकन चल रहा है, स्वर्गलोक में या नर्क लोक में? तो सारे टोकन फुल हो चुके हैं, एक काम करो इसे स्वर्गलोक ही भेजो। अरे चित्रगुप्त जी, हाँ मैं यमदूत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या आप नहीं जानते हम किस पापी को लाए हैं? अरे किसे लाए हो? हम उसी पापी को लाए हैं। अरे किसे फिर? गिरधर को। अच्छा गिरधर, एक काम करो उसका फूलों के साथ हमारे दरबार में स्वागत करो। जी चित्रगुप्त जी। अब गिरधर यमदूतों के साथ यमलोक पहुँच जाता है और देखते ही यमराज बिल्कुल बैठे होते हैं। इसके पाप बताओ। महाराज को क्षण दीजिए, देख रहा हूं। अरे वाह, हम लोग में भी लैपटॉप और फोन यूज होने लगे। हाँ क्योंकि हमारा हम लोग तो पहले से हार्ट अटैक था, तुम्हारा पृथ्वी लोग तो अब हुआ है। महाराज क्या हुआ चित्रगुप्त? महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है। क्यों, क्या कर दिया इसने ऐसा? अरे महाराज ने चोरी, झगड़ा, बड़ों का कहा ना मानना, एग्जाम में चीटिंग, स्कूल कॉलेज बंक, क्या क्या नहीं किए हैं, और सबसे बड़ा पाप ये दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है। अच्छा तो ये पबजी वाला है। यमदूत महाराज, इसको ले जाओ और तेल में तल दो। मैं तुझसे कुछ प्रश्न का सवाल पूछूंगा, अगर तूने सही सही जवाब दे दिए तो तेरी सजा कम हो जाएगी। जी महाराज। तो तेरा पहला सवाल है, ये बता A+B का होल स्क्वायर कितना होता है?
सुनाओ क्या? मूर्ख खड़ा हो जाओ। चल तेरा दूसरा सवाल ये बताओ, गंगा कहाँ से आती है? चल ये बता, ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल मुझे खुद लग रहा है जो कट करके अभी आता मिस्त्री ने। मूर्ख सीधा खड़ा हो जाओ। चल ये तेरा आखिरी सवाल है, ये बता पुष्पा फिल्म में हीरो का किरदार किसने निभाया था? पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। मूर्ख सीधा खड़ा हो जाओ। मूर्ख तुझे फिल्मों का तो पता है लेकिन जो तेरी बेसिक चीजें उसे मालूम नहीं। देख क्या रहो यमदूत, उसको ले जाओ और तेल में तल दो। महाराज इसके लिए गरुड़ प्राण अलग सज्जा मैं बनाऊंगा। ले जाओ इसे और तेल में तल दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं यमदूत उसे ले जाते हैं और वह रोने लगता है और गिरधर सपना बताते बताते रोने लगता है। तो तू क्यों रोता है गिरधर, एक सपना है तो है। देखो बेटा गिरधर, अब तुम समझ जाओ कि जीवन में पढ़ाई लिखाई कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने कॉलेज की पढ़ाई आधी में ही छोड़ दी थी ना, इसलिए भगवान ने एक इशारा दिया है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ वरना तेरा ये सपना हकीकत में भी बदल सकता है। हाँ बाबू, हाँ हाँ आपने सही कहा। अब मैं कल ही जाकर कॉलेज में फिर से एडमिशन लूंगा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं। आप आशीर्वाद दीजिए बाबू। जीते रहो। तो इस नाटक के द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि गिरधर पढ़ाई लिखाई छोड़ने से वह इस दुनिया से बहुत पीछे हो जाता है। पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, तो हमें अपने स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें दुनिया की समझ हो सके। धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ आवर लाइफ। Can we hear it once again for them? अब फिर होगी सुरों की बात क्योंकि हम फिर ले आए हैं एक सुरीली सौगात। अब फिर होगा वो सुरों का नजराना, बॉलीवुड के गानों का स्वाद, कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ नया कुछ पुराना। तो आप सभी के जीवन को संगीत से भरने और आपके जीवन में संगीत की खुशबू मिलाने आ रहे हैं हमारे अगले कलाकार। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड नेशन का। मैंने रखी नहीं, नामने जैसे रखी नहीं तुमने, मैं तुमसे कह नहीं रहा उस टाइम। वो मैं अभी 24 नंबर Now I request Mr. Sumit Joshi sir to please ask a question from the contestant. Hello. Sir. Hello sir. Am I audible to you? Yeah. Sir, थोड़ा इधर आ जाइए. Okay. First, tell me that how you feeling? Excited or nervous? Little bit nervous. Okay, then take a deep breath. You'll feel better. Yeah. Fine. So my question to you is, explain me about your good personality trait that you lack. Thank you sir for your wonderful question. Please take your time. मैं जिस चीज में लैक करती हूँ वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लिटिल बिट, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस फेस करना इट्स अ लिटिल बिट, तो इसलिए Thank you very much.
Thank you, you may proceed. All the best, contestant. Thank you, sir. Moving forward, I would like to request... Thank you, sir. Now I request Mrs. Divya Negi ma'am to please ask a question from the contestant. Hello, I'm audible? Yes, ma'am. Are you comfortable? Yes, ma'am. Okay, my question for you is, in case you find need to choose between peace, love and happiness, what would you choose and why? Thank you, ma'am, for the question. Ma'am, पीस लव एंड हैप्पीनेस में मैं सबसे पहले पीस चूज करूंगा. अगर हमारी जिंदगी में शांति होगी तो हम खुशियां बांटेंगे और प्यार सबको अपने आप मिलेगा. थैंक यू मैम. आई रिक्वेस्ट मिसेस सुगंधा जोशी मैम टू प्लीज आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द कंटेस्टेंट. Hi. Hi, Suhani. Hello, ma'am. Well, my question to you is, if you have to rank health, wealth and family according to its importance, how you are going to rank and why? Thank you, ma'am, for the question. I would like to, according to me, health, wealth and family. सबसे पहले मैं रखूंगी health को, क्योंकि health है तो सब कुछ है. Health is wealth. अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का भी लुक आफ्टर कर पाऊंगी, उनका ध्यान दे पाऊंगी. और अगर मैं मेरे पास हेल्थ होगी मैं अपना भी अच्छे काम करने लगूंगी. हर चीज़ में मुझे टायर्डनेस फील नहीं होगी, तो इसलिए मेरे पास वेल्थ भी आएगी क्योंकि मैं हार्डवर्क करूंगी उसके लिए. और सेहत है तो सब कुछ है, तो इसलिए मैं सबसे पहले वेल्थ को, हेल्थ को रखूंगी, फिर फैमिली को रखूंगी, फिर वेल्थ को रखूंगी. Thank you so much. Thank you, ma'am. All the best, tag number 13. Thank you, ma'am. Now, I would like to request tag number 6 to come forward for the question. I request Dr. Ashish B. Khare, sir, to please ask a question from the contestant. Hello and good evening, contestant. First of all, congratulations. Thank you, sir. And best wishes for this round. Thank you so much. My question to you is that, what would you like to know if you get a crystal ball that would tell the truth? Thank you so much for the question, sir. Sir, अगर कुछ crystal ball type की चीज जो मुझे किसी चीज का truth बता सकेगी, तो मैं sir एक theory है afterlife, उसके बारे में जानना चाहूँगा. Thank you. Thank you, sir. Request Dr. Kiran Sati ma'am to please ask a question from the contestant. Hi. Hi, tag number 17. आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? No. आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, ma'am. My question, what do you think the most important issue today's generation is facing? Okay, thanks for the question, ma'am. आजकल की generation जो सबसे बड़ा issue face कर रही है वो है access of internet, social media. इससे तनाव पैदा होता है family के बीच में और health issues भी होते हैं. And I guess social means access and social is the main issue today's generation is facing. Thank you. Thank you, Peter. I request Mr. Sumit Joshi sir to please ask a question from the contestant. Hello. Yes, I'm here. Hello, sir. How are you? Sir, I cannot see you. I'm here, on your left. Can you see me? Here. I see, fine. Sir. We can make eye contact now. Yes, sir. Okay. So, you have done wonders so far. Thank you, sir. You're saying very well. Thank you, sir. So, my question to you is, suppose you were judging this event, which special trait would you look for in a Mr. Fresher or Miss Fresher candidate?
and why? Thank you for the question, sir. So it's obvious everyone that has come here so far has confidence, has a talent. They have a personality. That is obvious. I think the special trait that you all are looking for is a special zeal. You can just look at the person and how they present themselves and you can know that this person is genuinely enjoying this. He's not in it to just win it. He's genuinely enjoying this. He's taking it as a learning opportunity. He's like, wow, I'm so grateful for this opportunity and all that. That I think that is the trait you all are looking for. Thank you. I'm talking about what you are looking for. You're also looking for the same? Yes, sir. I would look, if I was the judge there in 20 years, if I'm working here at Amrapali, okay. I would look for that special thing. Thank you. Super. Very nice answer. Thank you. I request Mrs. Divya Negi ma'am to please ask a question from the contestant. Hello. Sorry ma'am, where are you? I'm so sorry. My question for you is, how different would the world be if women were to rule the world? Actually, ma'am, thank you so much for the question. Very good evening to you, ma'am. According to me, if a woman would rule the world will be a more humble and lovely place to live in, because a woman is more a person who is more loving, because she is the one who bears the baby, loves the baby, grows the baby up. So according to me, the world would be a better place and it would be a lovely place to live in. And that's all from my side. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you, contestant. Thank you, ma'am. Now I would like to request tag number 10 to come forward for the question. I request Mrs. Sugandha Joshi ma'am to please ask a question from the contestant. Hi, tag number 10. Hi, my ma'am. Question to you is, if you get a chance to ask God about a truth, so what that question be like? I'd ask God that how he created the universe, first of all, and how he created, I'd like to also add that how he... sorry, ma'am. That's fine. All the best, contestant. Thank you, ma'am. Now, I would like to request tag number 23 to come forward for the question. I request Dr. Ashish Khare sir to please ask a question from the contestant. Good evening, Tag 23. Good evening, sir. My question to you is that if you have to rank health, wealth and fame according to their importance in your life, how would you do it? Sorry, sir. Can you repeat? My question to you is that if you have to rank health, wealth and fame according to their importance in your life, how you are going to do that? सर, सबसे पहले मैं हेल्थ को रैंक करूँगी, क्योंकि अगर हेल्थ है तो हमारे पास फैमिली भी होगी और वेल्थ भी होगा. और क्या बोल और सॉरी सर, अगर हेल्थ है तो हम अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और हम वेल्थ भी कर सकते हैं. तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने हेल्थ को रखूँगी, देन फैमिली एंड देन वेल्थ. थैंक यू सर. थैंक यू. All the best, contestant. Thank you, sir. Now, I would like to request tag number 20 to come forward for the question. I request Dr. Kiran Sati ma'am to please ask a question from the contestant. Hi, tag number 20. Thank you. My question is, social media bringing people together are causing separation. क्या सोशल मीडिया लोगों को एक कर रही है या अलग अलग कर रही है? थैंक यू मैम फॉर योर क्वेश्चन. मैम, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया डूइंग बोथ, मतलब वो एक साथ भी कर रही है और अलग भी कर रही है. ये सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है. लेकिन मैम, किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सेस करना
मतलब किसी भी चीज को ज्यादा यूज करना हर चीज गलत हो सकती है, तो मैम मेरे हिसाब से सोशल मीडिया कर भी रही है नहीं भी कर रही है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टैग नंबर 20। थैंक यू मैम। वी अप्रिशिएट ऑल द कंटेस्टेंट्स फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एंड गिविंग देयर बेस्ट शॉट। वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द जजेस फॉर गिविंग अस देयर वैल्यूएबल टाइम। विद दिस वी वुड लाइक टू कंक्लूड द राम शो। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स कंटेस्टेंट्स। Now we would like to hand over the mic to the next set of anchors. Thank you. Thank you, Devansh and Khushi. Choti si hai zindagi, khushi se jiyo. गम में क्या रखा है मजे से सर उठा के जियो। उदासी क्या चीज है बस मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए जियो। वाह क्या बात है। With this, I Rudraksh and I Nitika heartily welcome you all to this beautiful evening of Abhinandan 2022. So I'm Rupali, how's the Josh? I can't hear you, how's the Josh? Excellent. With this, Josh, let's move on to our next performance. उत्साह में नाचने का रूप है गरबा, हाथों से पैरों का तालमेल है गरबा, दिलों से दिलों को जोड़ने का भाव है गरबा, अपने आप में एक त्योहार है गरबा। शुरुआत है नितिका, सो इस शाम को और मजेदार बनाने के लिए आइए ले चलते हैं आप सभी को गुजरात की गलियों में। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का राज गरबा।